बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास बात। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज ने और उन्होंने इल्ज़ाम की बौछाड़ कर दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैदान छोड़ के भागे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विकेट उखेड़ के भागे, लेकिन वो मैदान छोड़ के भागे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को अभी इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन कुर्सी पर बुरा जमान है, ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला हमारे हक में देगा। और उन्होंने कहा कि हम भी इलेक्शन से भागने वाले नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जमात, अगर किसी जमात का वोट बैंक बढ़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। और उन्होंने फराह खान को ही है जिसका उन्होंने नाम लिया, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो रही है, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की वजीर आला फराह खान थी, वजीर आला बुज़दार नहीं थे बल्कि फराह खान थी। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि कोई भी पोस्ट, कोई भी तब्दीली, कोई भी तबादला बगैर रिश्वत के नहीं होता था। उन्होंने नाज़रीन बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जितना भी कुछ हो रहा था पंजाब के अंदर वो सिवाय फराह खान के कोई नहीं कर रहा था, अच्छा काम हो या बुरा काम। उन्होंने कहा कि परस 3-3 लाख 3-3 करोड़ रुपए के परस कहाँ से आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आया, और उसे रातों रात इमरान खान ने बुरका पहना के यहाँ से गायब कर दिया है। सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा है और सारी दुनिया देख रही है कि फराह खान कौन है, क्या कर रही थी उनके पास, क्यों बैठी हुई थी उनके पास, क्यों उनके का साथ धर रही थी। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि कोई भी काम हो, कुछ भी हो, उसमें रिश्वत उसको लेना ही लेना था। नाज़रीन, बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं मरियम नवाज ने। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। नाज़रीन, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। WKN News के नाम से मेरा चैनल है, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।